नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं आपके सामने, वो आप इस वीडियो में आप सिस्टम को या लैपटॉप को आप कैसे स्टार्ट करेंगे और कैसे उसको शट डाउन करेंगे, ये हम आज इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो दोस्त हैं जो नहीं जानते उनको कुछ हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा लैपटॉप आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे और इसे हमने चार्ज में लगाया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये मेरा देखिए चार्जिंग है, यहाँ हम देंगे तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग का बत्ती जल गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक मिनट दोस्तों, देखिएगा पूरे ध्यान रखिएगा, देखें जल गया। और हम दोस्तों देखिए, अब हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ से उठाते हैं पहले सिस्टम को। सिस्टम को देखिए दोस्तों, यह सिस्टम मेरा ओपन हो गया दोस्तों। अब हम इसको जो है दोस्तों, यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन होता है हर एक सिस्टम में, होता है हर एक लैपटॉप में। तो पहले हम इसे दबाएंगे एक सेकंड तक, प्रेस करेंगे, उसका सिस्टम चालू हो जाएगा। देखिए अब मेरा सिस्टम ओपन हो गया है दोस्तों, ये मेरा सिस्टम देखिए दोस्तों ओपन हो रहा है। ये विंडोज 7 है, विंडोज 7 अल्टीमेट। और तब तक स्टार्ट हो रहा है तब तक आप मेरे सिस्टम का एक ओवरव्यू ले लीजिए। ये मेरा कीपैड हो गया, ये माउस ट्रैक हो गया, यहाँ पर से एक यूएसबी हो गया, एक यूएसबी ये हो गया और दो यूएसबी इधर है। इधर डीवीडी ड्राइवर जो कि आज तो अब तो यूज होता नहीं है। और ये मेरा माउस है, एचपी का माउस हमने लिया हुआ है। और इसका एक माउस रखने का कीपैड ही होता है, ट्रैक पैड होता है, अभी वो फिलहाल मेरे पास नहीं है दोस्तों। ये देखिए सिस्टम स्टार्ट हो गया है। और सिस्टम स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले आप जो है इसे आप रिफ्रेश कीजिएगा। देखिए पहले आइकन वगैरह वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है, तो इसको हम 2 से 2 मिनट का समय देते हैं। देखिएगा सब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, देखिए सब एडजस्ट हो गया, सब अपने आप एडजस्ट हो गया है। और अभी देखिए समय कितना हो रहा है, आज की तारीख है 10/9/2021 दोस्तों। आज गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी का आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोग का पढ़ाई जम के चलते रहे। गणेश बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, गणपति बाबा मोरिया। चलिए दोस्तों आप ये हो गया, देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा वाईफाई का एक्सेस दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ बैटरी फुल्ली चार्ज दिखा रहा है, 98% है अभी। और ये टाइम हो गया और ये आज का तारीख हो गया, दिन शुक्रवार। ये दोस्तों सिस्टम पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ रिफ्रेश हो रहा है। माउस का राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ से ये बटन दबाएंगे हम। इससे माउस पकड़ने का तरीका ऐसे है दोस्तों, एक उंगली इधर रहेगा, एक उंगली इधर रहेगा, यहाँ से राइट क्लिक आप कीजिएगा इस उंगली से। और यहाँ से देखिए पहले यहाँ से हम जैसे ही करेंगे, यहाँ रिफ्रेश आएगा, रिफ्रेश करेंगे यहाँ आएगा, कम से कम 3 से 4 बार आप रिफ्रेश कर देंगे। अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप डायरेक्ट आप कीपैड से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको F5 दबाना होगा। ये देखिए F5, ये बटन आप प्रेस कीजिएगा, सिस्टम आपका रिफ्रेश होगा। देखिए देखिए हम जैसे ही दबाएंगे, देखिए आइकन को देखिए आप, देखिए 3-4 बार इसको कीजिएगा, उससे क्या होता है कि सिस्टम के बैकग्राउंड में जो भी अगर ऐप वगैरह अगर एडजस्ट नहीं है तो वो प्रॉपर रूप से एडजस्ट हो जाएगा और सिस्टम आपका अच्छे तरीके से चलेगा। चलिए दोस्तों, ये तो आप देख लीजिए सिस्टम स्टार्ट हमने किया। और इसको आप लैपटॉप है तो उसको चार्ज में लगा के चालू कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि बैटरी का बैकअप बना रहता है। ये सिस्टम तो स्टार्ट होगी। अब हम दोस्तों आपको हम सिस्टम को शट डाउन करने का तरीका बताएंगे। तो चलिए शट डाउन करने की, तो विंडोज 7 है अभी, तो विंडोज 11 आ गया उसमें सिस्टम कुछ अलग ही होगा। तो हम आपको विंडोज 7 में बताते हैं कि अभी प्रो अभी खैर विंडोज 7 ही बहुत ज़्यादा जगह चल रहा है। तो विंडोज 7 में हम देखिए पहले आप स्टार्ट पर आएंगे, यहाँ पर आप शट डाउन का बटन देखिए दोस्तों, यहाँ पर शट डाउन है, आप माउस देखिए यहाँ पर शट डाउन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे इसे और ये सिस्टम आपका शट डाउन हो गया। या तो आप डायरेक्ट अल्ट प्लस F4 से भी कर सकते थे, अल्ट प्लस F4 से करते वहाँ से भी आप सिस्टम को डायरेक्ट शट डाउन कर सकते थे। अब देखिए सिस्टम शटिंग डाउन हो रहा है। बहुत दोस्त मेरे ऐसे करते हैं, वो डायरेक्ट यहाँ से सिस्टम को या लैपटॉप को जो ऑन ऑफ का बटन होता है वो दबा देते हैं और सिस्टम को बंद करते हैं। उससे सिस्टम क्या होगा, विंडोज का जो फाइल है वो करप्ट होने का संभावना रहता है और उससे आपको सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिस्टम बंद करने का प्रॉपर तरीका ये है कि आप तो एक तो आप स्टार्ट के माध्यम से जाके शट डाउन करें, या तो फिर आप अल्ट प्लस F4, अल्ट ये देखिए अल्ट हुआ ये और F4 ये दोनों को आप प्रेस कीजिएगा तो आप मेनू खुलेगा, वहाँ पर शट डाउन रीस्टार्ट का बटन आएगा। तो आपको शट डाउन करना है तो शट डाउन कीजिएगा, या फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करना है तो फिर आप रीस्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर हम आपसे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे।